दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुश आज आपके लिए लेकर आपको लेकर आए हैं एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम में हम अभी तक आपको जो पीछे कड़ियाँ भी चली हैं तो 767 क्वेश्चन तक बताया था बाइलिन एंड बाइलिन वेल इज प्रेजेंटिंग। तो ये शायद मैं क्वेश्चन बता चुका था, ग्लास स्नैक भी बता चुका था। अभी आप कुछ मित्र हमसे लगातार ये प्रेस कर रहे थे कि सर मैटर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स मिलाइए, तो मैंने कोशिश की कि हिंदी इंग्लिश में। और कुछ लोग कह रहे थे कि सर क्वेश्चन वाइज आप बताइए कि किस सन में आया है। सर ये कन्फ्यूज़न मुझे लग रहा है कि नहीं आए आए हैं नहीं आए, तो इस तरह के आप लगातार हमसे प्रश्न कर रहे थे। तो मैं लगातार इस पर काम कर रहा था और आपके लिए इस समस्या का सॉल्यूशन भी हमने निकाल लिया कि एनिमल किंगडम में जो हम आपको पढ़ा रहे थे उसी के आगे का ये है। और आप देखेंगे कि ये किस सन में कब कहाँ किस क्वेश्चंस कहाँ कैसे पूछे गए हैं, तो ये भी देखेंगे। और अभी हमारा एनिमल किंगडम है और रेप्टाइल्स और मेमल्स का था, उसी के आगे का पार्ट है। तो यहाँ हमने जो क्वेश्चंस नेक्स्ट आता है देखते हैं। यहाँ 767 करा चुके थे। ग्लास स्नैक, किस ग्लास स्नैक किसको बोलते हैं? तो ग्लास स्नैक बोलते हैं ऑफियोसॉरस को। किसको बोलते हैं? ऑफियोसॉरस को। सी ग्लास स्नैक को ऑफियोसॉरस कहते हैं। ये एक लिम्बलेस लिजार्ड है, यानी इसमें पैर नहीं पाए जाते हैं। इसे यूप्लेक्टेला या हाइलोनेमा फाइलम, ध्यान रखना इसको किस ग्राम, यूप्लेक्टेला हाइलोनिमा फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। अच्छा, दूसरे बता रहे यूप्लेक्टेला जो इसमें दिया हुआ है, ये यूप्लेक्टेला किस में आता है? तो यूप्लेक्टेला आपका किस में आता है? पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। और हाइलोनिमा फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आता है, तो इसको दोनों के लिए उसने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेमिकॉर्डेटा द सीलोम इज, तो जो हेमिकॉर्डेट्स में सीलोम होता है वो कैसा होता है? तो वो यहाँ जो ऑप्शन दिया था, ये एक्चुअली में पीसीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है, पीजीटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आंसर क्या था? तो हेमिकॉर्डेटा में सीलोम एंट्रोसिलस होती है। कैसी होती है? एंट्रोसिलस होती है, होता है। ए सिलस सीलोम प्रोटोजोवा पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में पाया जाता है। ए सिलस जो सीलोम होता है प्रोटोजोवा पोरीफेरा सिलेंट्रेटा में पाया जाता है। बॉडी सीलोम और उसके पाए जाने वाले संघ का सही मिलान इस प्रकार है। तो देखते हैं किस प्रकार है भाई। ए सिलस प्रोटोजोवंस होते हैं, साइजोसिलस एनीलिडा होते हैं, तो ये आप सब जानते हैं साइजोसिलस एनीलिडा होते हैं। और होमोसिलस आर्थ्रोपोडा और मोलस्का होते हैं। एंटेरोसिलस जो होते हैं इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा होते हैं। देखना, एंटेरोसिलस जो होते हैं इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा होते हैं। तो यहाँ इतने क्वेश्चन तैयार हुए। ए सिलस में प्रोटोजोवंस, साइजोसिलस में एनीलिडा, होमोसिलस में आर्थ्रोपोडा मोलस्का, एंटेरोसिलस में इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कल्टीवेबल मेजर कार्प, इनमें से वो कौन सी है जो कल्टीवेबल नहीं होती है? तो मागुर तालाब में पाली जाने वाली मुख्य कार्प मछली नहीं है। कौन सा ऑप्शन हुआ? डी। तो मागुर जो है वो तालाब में नहीं पाली जा सकती। भारत में मुख्य रूप से खाए जाने वाली मछलियों की जातियां हैं रोहू अर्थात ये कतला, ध्यान रखना। और इसके अलावा क्या है? सिरहिना बोलते हैं, सिरहिना मुसनस वालागो नोटोपेटेरस आदि ऐसी मछलियां हैं जो सामान्यतः भारतीय तालाबों में पाली जाती हैं। ये पीजीटी यूपी पीजीटी में भी क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक ही चीज़ का मेंशन किया है तो यहाँ उसने यूपी पीसीएस भी बताया और हम आपको बता दें पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। विच इज द स्केललेस फिश, इनमें से कौन सी स्केललेस फिश होती है? ये हमने आपको बताया है, चूंकि हम उतने ही क्वेश्चन 767 क्वेश्चन अभी तक बताए तो उसी के आगे चल रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन दोबारा भी आ रहे हैं तो कोई मतलब आप परेशानी वाली बात नहीं है। तो वलैगो स्केललेस जो फिश है वो कौन सी है? वलैगो। वलैगो अट्टू एक ताजे जल की मछली है जो सिलुरिडी फैमिली के अंतर्गत आती है। किस फैमिली में आती है? सिलुरिडी फैमिली के अंतर्गत आती है। सामान्यतः इसे तकिया मूलिया ओबाली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तकिया मूलिया ओबाली भी कहते हैं। इसके त्वचा पर स्केल नहीं पाए जाते हैं। डॉर्सल फिन इनमें छोटा होता है और जो एनल फिन बड़ा होता है। देखो डॉर्सल फिन बड़ा फिन छोटा होता है और एनल फिन बड़ा होता है, लेकिन काउडल फिन जुड़ा नहीं होता है। एक आप
प्रोटोथीरियंस, ये क्वेश्चन बता चुके हैं, तो माइक्रोलिसाइथल्स होता है। तो चूंकि यहाँ डिस्क्रिप्शन था और हमें क्वेश्चन ढूंढने में आपकी समस्याओं का समाधान करना था, तो देखते हैं प्रोटोथीरियन के जो एग हैं वो माइक्रोलिसाइथल होते हैं। कैसे होते हैं? माइक्रोलिसाइथल। और योग के आधार पर एग को कई भागों में बांटा गया है। माइक्रोलिसाइथल एग क्या होते हैं? तो माइक्रोलिसाइथल एग जो होते हैं वो शुरुआत में पाए जाते हैं, आप अर्ली में चले प्रोटोजोवन से, तो एम्फियोक्सस में देखने को मिलते हैं, स्पंज में देखने को मिलते हैं, ट्यूनिकेटर जिस और यूथीरियन में हमें देखने को मिलते हैं माइक्रोलिस। मीजोलिसाइथल क्या होते हैं? पेट्रोमाइजोन और एम्फीबियंस में मीजोलिसाइथल। पॉलीलिसाइथल, इनको पॉली जो लिसाइथल्स होते हैं इन्हें अति पीतिकी बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इनको, जैसे पक्षी, सरीसृप, अस्त मछली यानी बोनीफिश में। पीतक की स्थिति के आधार पर आइसोलिसाइथल बोल सकते हैं, ये स्पंज ट्यूनिकेट, स्थिति के आधार पर, ये मात्रा के आधार पर स्थित। टीलोलिसाइथल पक्षी, उभयचर, सरीसृप में, और सेंट्रोलिसाइथल कीटों में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन इनमें से एक नए क्वेश्चन पूछा जाता है जो डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन एक इसलिए है कि हमारे मित्र लगातार हमसे कह रहे थे, बहुत कमेंट्स इस तरह के आ रहे थे, कुछ लोगों ने हमारे मिलने वालों ने फ़ोन भी किया कि कुछ ऐसा करिए कि पूरा डिस्क्रिप्शन भी आप दिखाएं, आप उसका व्यवस्था करिए। तो मैं लगातार इस पर प्रयासरत था और आखिर हमने इस आपके लिए इस सुविधा को भी कर दिया कि जिसमें फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आपको उस क्वेश्चन का आंसर और एक केवल आपको ये भी मिलेगा, ये आया कहाँ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। होलो नेफ्रॉन्स इज फाउंड इन, तो होलो नेफ्रॉन्स किसमें पाया जाता है? फाउंड इन, तो बताइएगा, तो होलो नेफ्रॉन्स किसमें पाया जाता है? तो होलो नेफ्रॉन्स पाया जाता है एम्ब्रियो ऑफ लिजार्ड में। होलोनेफ्रॉन्स इज फाउंड इन एम्ब्रियो लिजार्ड। होलोनेफ्रॉन छिपकली के भ्रूण में पाया जाता है, इसके अलावा यह सरीसृप, पक्षी व स्तनधारी के भ्रूण में भी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये केवल लिजार्ड के भ्रूण में नहीं पाया जाता, इसके अलावा ये सरीसृप, पक्षी व स्तनधारियों के भ्रूण में पाया जाता है, मगर यहाँ केवल लिजार्ड से शुरू हुआ था तो इसलिए इसने इसका ऑप्शन सही माना। द रेप्टाइल्स स्कल विद द सिंगल टेम्पेरल फोसा इज कॉल्ड, तो उसको हम सेना जो बोलते हैं यू रैप्सिड स्कल बोलते हैं। सरीसृप की खोपड़ी के साथ एक टेम्पोरल फोसा होता है जिसे यूरियोप्सिड खोपड़ी या यूरोप्सिड स्कल बोलते हैं। यानी रेप्टाइल्स में अगर एक टेम्पोरल फोसा हो, कितना हो? केवल एक टेम्पोरल अगर फोसा पाया जाता है तो उसको हम यूरियोप्सिड स्कल के नाम से जानते हैं। मोनोकंडाइलिक स्कल इज फाउंड इन, तो देखिए मोनोकंडाइलिक जो स्कल होता है वो रेप्टाइल्स और एवीज में पाया जाता है। ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको पहले, ये पीजीटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। मोनोकंडाइलिक जो स्कल होता है रेप्टाइल्स और एवीज में पाया जाता है, मत्स्य वर्ग में पाया जाता है, जबकि एम्फीबिया व स्तनधारियों में डाइकंडालिक होती है। एम्फीबियंस और जो मैमल्स होते हैं डाइकंडालिक होती है, यानी दो हिस्सों में बटी रहती है, जबकि रेप्टाइल्स और एवीज में ये एक हिस्से में बटी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरेंटल केयर बाय मेल ऑफ फाउंड इन, किसमें? नर में पैतृक संरक्षण देखने को मिलते हैं, तो वो हिप्पो कैंपस है। हिप्पो कैंपस एक मछली है, ये केवीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपके यूपी टीजीटी के में भी हायर वाले उसमें जो जूनियर वाला पेपर होता है उसमें भी पूछा था हिप्पो कैंपस क्या है। तो ये एक मछली है और नर मछली है जो जिसमें पैतृक संरक्षण के गुण पाए जाते हैं, अर्थात ये अपने बच्चों को स्वयं पालता है। हिप्पो कैंपस नर मछली में एक थैली नुमा संरचना होती है जो नवजात के संरक्षण प्रदान करती है। हिप्पो कैंपस मछली को समुद्री घोड़ा कहते हैं, यह एक अस्थायी मछली है, इसका सिर घोड़े के समान होता है। फिर चूंकि उसने स्केलियोडॉन के बारे में पूछा है, तो ये कॉटिलेजनस है। स्केलियोडॉन देखना आपने बीएससी सेकेंड ईयर में जब कॉर्डेट पढ़ते हैं, बीएससी सेकेंड ईयर में जूलॉजी में, तो स्केलियोडॉन एक मछली है, भारतीय मछली से डॉगफिश बोलते हैं, मांसाहारी मछली, सार्क मछली है जो प्रकृति से लड़ाकू एवं शिकारी होती है, इसे डॉगफिश कहते हैं। ये ओवीविविपैरस होती है, अर्थात मादा बच्चे को जन्म देता है।
और नेक्स्ट है एना बॉस। एना बॉस के बारे में भी कोई पूछे, एना बॉस को चढ़ने वाली मीन बोलते हैं, क्लिम्बिंग, ये पेड़ों पर चढ़ जाती है। और जो लीविया है, लीवियो है, ये मछली सामान रोहू कही जाती है, जो समुद्र नदी तालाब में पाई जाती है। ये बहुत स्वादिष्ट होती है, इसे लोग खाते हैं। खैर मैं तो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हूँ, मगर मुझे मालूम है कि इसे लोग खाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दीज नॉट ए करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मैमल, इनमें से कौन सा फीचर मैमल में नहीं है? ईयर ऑस्किल कर्ण अस्थियां, नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी, प्लेसेंटा, डायफ्राम, तो इनमें से कौन सा बताएगा? तो कर्ण अस्थियां है, कर्ण अस्थियां, देखिए हम लोगों कान में अस्थियां नहीं होती, हड्डी नहीं होती, कान को छू के देखो तो कर्ण अस्थियां स्तनधारियों का लाक्षणिक गुण नहीं है, जबकि नॉन न्यूक्लिएटेड जो आरबीसी है और डायफ्राम है, ये सब गुण है। ये टीजीटी बायोलॉजी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया। स्फेनोडॉन जो कि एक जीवित जीवाश्म है, किस समूह से संबंधित है? तो स्फेनोडॉन जो जीवित जीवाश्म है वो संबंधित है किससे? रिकोसिफेलिया से। किससे संबंधित है? रिकोसिफेलिया। स्फेनोडॉन एक जीवित जीवाश्म है जो रिकोसिफेलिया नामक समूह से संबंधित है या संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टर्नेरिया इज द लार्वा ऑफ, तो टर्नेरिया लार्वा किसका लार्वा है? तो टर्नेरिया ब्लेनोग्लासस का लार्वा है। और ये ब्लेनोग्लासस क्या होता है? ब्लेनोग्लासस हेमिकॉर्डेट्स, और ये आप बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। जब आप पूरा पढ़कर प्लेटिलिटी हेलमिंथी सब निकल जाते हैं, तब जाकर वहाँ हेमिकॉर्डेट्स उस किताब में दिया रहता है, और कहीं कहीं ये सीधे सेकेंड ईयर में है। इसमें लिंग पृथक पृथक होते हैं, इसमें जो हेमिकार्डेट्स जो ब्लेनोक्लासस होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, जिसमें टर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। ब्लेनस ग्लासस को सामान्य भाषा में एकॉर्न वर्म बोलते हैं। क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया, एकॉर्न वर्म किसे बोलते हैं? इसे टंग वर्म भी बोलते हैं। ये कॉर्डेट व नॉन कॉर्डेट के बीच की संयोजक कड़ी है, ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ आप ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच की कड़ी कौन है? तो ये है, कौन है? ये नॉन कार्डेट और नॉन कार्डेट के बीच की कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में और देख लो भी। इसमें नोटोकार्ड इसके शीर्ष भाग के प्रोबोसिस में पाया जाता है। इसका शरीर बेलनाकार होता है, जो प्रोबोसिस कालर और ट्रंक में विभाजित होता है। निम्न में से कौन सा पाद रहित उभयचर होता है? पाद रहित का मतलब बिना पैरों वाला, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है, इक्थियोफिश पाद रहित उभयचर होता है। इक्थियोफिश संकॉर्डेटा का जंतु, ये दक्षिणी फिलीपींस व दक्षिणी पूर्व एशिया में देखने को मिलता है। तो हमारा वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, इसके आगे का कल हम आपको उपलब्ध कराएंगे। और आप बताइएगा कि अब वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आपके लिए हमने कितनी मेहनत की है, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, मैटर भी आपको उपलब्ध कर रहे हैं, मार्केट भी सर्च कर रहे हैं आपके लिए, और सब कुछ सर्च करके अच्छा सा अच्छा मैटर, इसके लिए एक बंदा भी हमने रखा हुआ है कि व्यवस्थित करे मैटर को। तो इस तरीके से आपको व्यवस्थित किया जा रहा है मैटर को, और मार्केट से भी हम परचेस कर रहे हैं आपके लिए लगातार मैटर, और जिससे आप विथ डिस्क्रिप्शन भी बताने लगे। और कई हमारी एक मित्र थे, उन्होंने एक बार हमसे टाइटली भी कहा था कि सर आप हिंदी में भी उपलब्ध कराइए, तो उनकी आज हमने इच्छा पूरी की। तो हमें कमेंट्स जरूर करिएगा, अब इसके आगे का मैटर कल उपलब्ध कराएंगे। आज काफ़ी समय आपको मैटर, डिस्क्रिप्शन वाला मैटर लेने के लिए समय लगा।